गुड आफ्टरनून एवरीवन कैसे हैं आप लोग सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि इतनी जबरदस्त ऊर्जा इतनी फैंटास्टिक ऑडियंस देखकर बहुत मजा आता है थैंक यू सो मच आप लोग इतनी तालियां बजा रहे हैं इतना हल्ला कर रहे हैं वी आर ऑल फीलिंग वेरी हैप्पी टू सी दिस एनर्जी माननीय गहलोत साहब जिन्हें मैं मुंबई में भी मिला था और उनकी स्पीच सुनकर मुझे लगा कि इतना मजा आया देखकर कि मंत्री जी इतने पैशनेट हैं इस कॉज के तरफ हमारे मित्र और शायद भारत सरकार के सबसे हैंडसम और फिट मंत्री राज्यवर्धन राठौर जी संपला साहब वंडरफुल एक्टर हैव लव टू सी हिज वर्क Sanjay Suri, the jury members Marco Muller, Amir Bashir, Jayashree Ravindranji, Siddharth Kakji, who is a legend in himself, and of course, Avasti Sahab, and my senior from school, Vishal Gagan, who has been very, very dedicated for this program. And most importantly, रियल वीवी आई पीज ऑफ दिस प्रोग्राम सिटिंग इन दिस इज बिन इंडीड ए फैंटेस्टिक इनिशियटिव बहुत मजा आया है देखकर कि इतनी अच्छी फिल्में जो सेंसिटाइज कर रही हैं लोगों को आवाम को जो लोग डिफरेंटली एबल्ड और मैं कहना चाहूंगा इस मंच पर हम बार बार पीपुल विथ डिसबिलिटीज कहते हैं और मंत्री जी से भी गुजारिश करना चाहूंगा ये शब्द को बदले और शब्द होना चाहिए डिफरेंटली एबल्ड स्पेशल पीपल किसी भी पेंटिंग में हर रंग खूबसूरती लाता है और आप लोग हमारी जिंदगी में बहुत खूबसूरती लाते हैं आई एम सो हैप्पी कि इंक्लूसिवनेस की बात हो रही है अड़सठ साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए लेकिन आज भी हमारे देश के तकरीबन सात आठ करोड़ ऐसे लोग हैं जो सच्चे मायने में आज़ाद नहीं हैं दे आर कॉन्स्टेंटली डिपेंडेंट एंड देर नॉट रियली इंडिपेंडेंट एंड वी एज अ सोसाइटी वी एज अ कंट्री हैव टू वर्क टूवर्ड्स दैट वी हैव टू वर्क टूवर्ड्स इंक्लूसिवनेस एंड पार्ट ऑफ दैट इंक्लूसिवनेस इज सेंसिटाइजेशन जब हम लोगों को अवेयर करते हैं जब हम लोगों को समझाते हैं मुझे याद है जब मैं स्कूल में हुआ करता था तो बच्चे कोई भी डिफरेंटली एबल्ड बच्चा हो तो उसका मजाक उड़ाया करते थे या फिर उसे छेड़छाड़ किया करते थे या उसे अपने साथ में गेम्स में कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं किया करते थे एंड आई वॉज सो हैप्पी टू सी रिसेंटली इन डेली आई वॉज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट अ फंक्शन इन स्प्रिंग डे स्कूल और मुझे इतना अच्छा लगा देख कर कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन बाकी बच्चों के साथ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हुए हंसते खेलते आगे बढ़ रहे थे एंड आई सेड दैट दिस इज समथिंग दैट इवन इन द एजुकेशन सेक्टर दैट वी मस्ट फॉलो मेरे खुद के परिवार में मेरी एक भतीजी है मेरी नीस है एंड शी इज अ स्पेशल चाइल्ड और मुझे याद है कि जब उसे स्कूल में डालना था तो वो कितना मुश्किल था हमारे लिए एज अ फैमिली एक परिवार हम बैठ कर डिस्कस किया करते थे कि वी वॉन्ट टू गिव अर अर्मल चाइल्ड हुड वी वॉन्ट टू गिव नॉर्मल अपब्रिंगिंग लेकिन स्कूल्स का भी इतना रेजिस्टेंस हुआ करता था कि नहीं नहीं यहां पे वो को, कोप नहीं कर पाएंगी कंपीट नहीं कर पाएंगी एंड पश्मीना जो मेरी छोटी सी प्यारी सी दस साल की नीस है आज वो, वो स्कूल में स्टार बन गई है शी कंपीट्स विद ऑल नॉर्मल चिल्ड्रन इन एथलेटिक्स एंड बीच द मॉल ची इज नंबर वन गोल्ड मेडलिस्ट एंड एथलेटिक्स इन अ स्कूल एंड पढ़ाई लिखाई में भी उसके दोस्त और उसके टीचर्स मिलकर उसकी मदद करते हैं एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस टू सी दैट और वो पनप रही है बिल्कुल खेल रही है ऐसा माहौल हमें पूरे देश में क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है दूसरी बात कहना चाहूँगा मैं मेरा एक निजी अनुभव रहा हैड एन एक्सपीरियंस सम यर्स अगो एक बहुत प्यारी यंग लड़की थी महजबीन जो आ रही थी दिल्ली अपने गांव से एंड उसे किसी ने ट्रेन में धक्का दे दिया यहाँ दिल्ली में और वो अपनी टांग खो बैठी और मुझे याद है कि शी वॉज सुसाइड शी वॉज डिप्रेस्ड एंड उसका एक इंटरव्यू में देख रहा था टेलीविजन पर और कहीं न कहीं मेरे दिल में एक बात जागी कि शी नीड समबडी टू तो रीच आउट टू तो हर समबडी टू तो जस्ट टेलहर दैट इज गुंड भी ओके और मैंने टी वी चैनल को फोन किया मैंने कहा मैं उनसे बात करना चाहता हूँ एंड चुप चाप यहाँ दिल्ली आया आई स्पेंट अ डे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट आई सेट विथ हर आई स्पोक टू हर एंड शी वज सो अपसेड शी वज सो डिप्रेस्ड एंड जो एक्सपीरियंस उसका रहा अथॉरिटीज़ के साथ डील करने में जहाँ लोग उसे बोल रहे थे कि आप प्रूव कीजिए कि आपके साथ ये हुआ आप प्रूव कीजिए इट वॉज नॉट अ सुसाइड अटैम्प्ट आप प्रूव कीजिए कि इतने घंटे का जो लैप्स हुआ है वो आपकी गलती की वजह से नहीं हुआ है एंड द ब्लेम गेम द शिफ्टिंग ऑफ द ब्लेम गेम दैट है दिस वॉज द ईयर टू थाउजेंड इट वॉज एम्बेरिस मुझे शर्म आ रही थी कि हम हिंदुस्तान हैं हम इतना बड़ा देश हैं और हम एक बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं खैर हमने काफ़ी उसके लिए हमारे फाउंडेशन के तहत जंग भी लड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात भी की जहाँ जोर लगाना पड़ा वहां जोर भी लगाया कि नहीं इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए एंड टूडे ऑफकोर्स शी इज गॉट ऑन विद अ लाइफ शी इज वी फॉट फॉर अ राइट्स वी गॉट शो मेड शो दैट शी गॉट ऑल द द कॉम्पेसेशन फॉर द डिसबिलिटी वी मेड शो दैट शी गॉट अ जॉब एंड वॉज एबल टू बिकम इंडिपेंडेंट बट दिस इज जस्ट वन स्टोरी ये एक ही कहानी है ऐसी हज़ारों कहानी हज़ारों घटनाएं रोज़ होती हैं तो इस मंच के ज़रिए मैं आवाम से लोगों से और प्रशासन से गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसी घटनाएं ना हो, देश वाकई में उन सात करोड़ लोगों के लिए भी आज़ाद हो और आज़ादी का मज़ा वो सब भी उठा पाए जय हिंद